कबीर, तुम एक बहुत समझदार लड़के हो। तुमसे मुझे ऐसे रवैये की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तुमने फलक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत हर्ट हुई है वो। मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए खुद चलकर आया हूँ आपसे माफी मांगने, बल्कि फलक से भी माफी मांगूंगा। सो रही है वो, बहुत परेशान रहती है। खैरार, तुम बैठो, मैं उठाती हूँ उसे। नहीं, रहने दें, अगर सो रही है तो सोने दें, जब वो जाग जाए तो बता दीजिएगा कि मैं आया था। कबीर मेरी बात सुन, वो माँ बनने वाली, उसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी तवज्जो की, तुम्हारे ख्याल की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ फलक का गुस्सा तेज है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है बेटा। वो जज्बाती होकर कुछ भी कह जाती है, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, एहतराम करती है वो तुम्हारा। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ ना उससे, और जो कुछ मैंने कहा मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी, लेकिन आप फलक को भी तो समझाएं ना। छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करती है, राय का पहाड़ बना लेती है, और मियाँ बीवी के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आंटी, और फलक है किसी एक बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो शुरू से ही ऐसी है, हर बात पे जिद करती थी। सिंह तो कह रहा हूँ ना कि आप प्लीज उसे समझाएं, और खास तौर पे आप उसे ये समझाएं कि मॉडलिंग की जिद छोड़ दे। आप खुद बताएं आंटी, इस कंडीशन में क्या उसके लिए मॉडलिंग करना ठीक है? नहीं, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, उसे आराम की ज़रूरत है। आंटी मुझे फलक की फिक्र, बच्चे की फिक्र है, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। पर लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी, उसे शोर मचाना शुरू कर दिया, तमाशा खड़ा करके सारा घर सर पर उठा लिया आंटी, और मैं आपको बता नहीं सकता आलिया भाभी और टॉकीर भाई के सामने इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। कबीर, लेकिन जब तुम्हें पसंद नहीं था उसका इस प्रोफेशन में जाना, तो तुमने उसे इजाजत क्यों दी? तुम्हें उसे सबसे पहले ही मना कर देना चाहिए था। आंटी अब मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं दरोगोई से काम ले रहा हूँ। मुझे फलक का इस फील्ड में काम करना पसंद नहीं है, उसका मॉडलिंग करना मुझे पसंद ही नहीं है आंटी।